सो गाइज, मैं नेम इज़ आशीष एंड यू आर वाचिंग द सेल स्ट्रोक। तो गाइज, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जब आज के मंडे नाइट रॉ में हम मेन इवेंट में नहीं बल्कि गाइज हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है एलेक्सा ब्लिस का एलेक्सा प्लेग्राउंड, तो गाइज हमें वहां पे क्या देखने को मिला, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज के मंडे नाइट रॉ में हमें कितना दिन के बाद, गाइज आप कह सकते हो कि कितने दिनों के बाद गाइज हमें एलेक्सा ब्लिस का एलेक्सा प्लेग्राउंड वाला सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे गाइज उनकी स्पेशल गेस्ट टाइप्स और को नहीं बल्कि डू ड्रॉप और को नहीं बल्कि गाइज ईवा मरी रहती है और गाइज हमें उनका सेगमेंट देखने को मिलता है और गाइज एलेक्सा ब्लिस कन्फ्रंट करती हैं और किसी को नहीं बल्कि ईवा मरी को। और पहले गाइज एलेक्सा ब्लिस शुरुआत में ही ये बोलती हैं कि वो इस साल के मनी इन द बैंक को जीतने वाली हैं और गाइज वो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, लेकिन गाइज ईवा मरी बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे शो में आई हो तो मुझे मेरे बारे में बताओ अपने ऑडियंस को। तो ईवा मरी खुद के अपने आप कह सकते हो गाइज कि खुद के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रखी है कि वो मंडे नाइट रॉ के काफ़ी अच्छी सुपरस्टार हैं, वो ये है वो है, लेकिन गाइज उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि एलेक्सा ब्लिस काफ़ी मजाक बनाने की कोशिश करती हैं ईवा मरी के फ्रेंड का डू ड्रॉप का। और एलेक्सा ब्लिस बार बार बोलती है डू ड्रॉप कैसा नाम है, और उसके बाद गाइज जो डू ड्रॉप रहती है वो पीछे खड़ा रहती है और वो गुस्सा भी जाती हैं। और उसके बाद गाइज हमें ये मालूम पड़ता है कि ईवा मरी भी छोड़ के वहाँ से एलेक्सा ब्लिस के एलेक्सा प्लेग्राउंड को चली जाती है। और गाइज आज के मंडे नाइट रॉ में कुछ इसी प्रकार से हमें एलेक्सा ब्लिस का एलेक्सा का प्लेग्राउंड देखने को मिला, जहाँ पे गाइज एलेक्सा ब्लिस ने भी काफ़ी अच्छे से आप कह सकते हो कि डू ड्रॉप का मजा लिया। तो गाइज कुछ यही हमें सेगमेंट देखने को मिला, तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। फाइनली बाय फ्रेंड्स।